नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे है। सुबह से खूब पानी गिर रहा है, छत पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचा आज कुछ बीजा ही डाला जाए। देखिए, ये हमने टमाटर का बीजा लगाया था, ये इसमें से काफ़ी जो है निकल गया है, और कुछ जो पानी की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ये नीचे से ये ख़राब हो गया है। ये देखिए, बहुत कम मात्रा में निकला है इसमें। ये हमने पोटैटो लगा दिया था, ये आलू, इसमें ये 3 4 5 5 निकला है इसमें। ये हमने नहीं लगाया था, ये टमाटर का है शायद, ये इसके साथ में आ गया होगा, ये लग गया है। ये हमने आइसक्रीम की ट्रे में ये लौकी के बीजा लगाया था, जो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये कुछ दिन के बाद इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, लगा देंगे। इसमें कुछ और बीजा डाल देते हैं, बीज बीच में कुछ रखा हुआ है हमारे पास बीजा, इसको डाल देंगे इसमें। इसमें हल्का धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है, अगर अंदर छाए जगह पे रहे पूरे टाइम तो ये ख़राब हो जाता है, इसके नीचे से जड़ से जो है ये ख़राब होने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा धूप भी ज़रूरी है इनको, हल्का धूप में रखे, हल्का धूप हल्का छाँव में। इसमें हमारे पास कुछ और बीजा है टमाटर के, इसमें लगा देते, डाल देते इसको, ये बहुत जल्दी अंकुरण निकल जाता है इसके, 4 5 दिन में निकल जाता है ये। लेकिन ये चींटियाँ बड़ा परेशान कर रहे हैं, खूब चींटियाँ इसमें घूम रहे हैं, और चींटियाँ क्या करता है, ये जो बीजे हम डालते हैं ये अगर उनको जगह मिल गया जाने का नीचे तक, तो वो उसको ले जाते हैं निकाल के। तो मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी किया था, लेकिन नीम ऑयल से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी चींटियाँ लग ही जाता है, हो सकता है एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल का काम करता हो। इसको थोड़ा सा जहाँ जहाँ बीजा डाला है उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी डाल दूँगा इसमें। बहुत समय चाहिए होता है गार्डनिंग में, या जो भी खेतीबाड़ी हम करते हैं उसके लिए समय निकालना पड़ता है। शौक है तो शौक के लिए कर रहे। देखिए ये मिट्टी कितनी हार्ड हो गया है, ये हमारे पास और कुछ बीजा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं 10 12 दिन पहले इसमें जर्मिनेट के लिए रखा था, ये है लौकी का है, ये कद्दू का है, ये लेकिन अभी तक ये निकला है, इसमें कद्दू में निकल रहा है अभी, ये गिलकी है शायद, ये हमने भटे का रखा था, लेकिन इसमें ये जर्मिनेट 7 8 दिन हो गया लेकिन जर्मिनेट नहीं हुआ। लेकिन एक कद्दू का बीजा जो है, ये लौकी का बीजा बाहर पड़ा हुआ था, ये ज़रूर हो गया जर्मिनेट। तो ये मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये इसमें नहीं हुआ और बाहर रखने से कैसे हो गया। अरे इसको लगा देते हैं हम, इसको ये गमले में लगा दें तो बाद में इसको कर देंगे। एक गमला है इसमें, ये मिट्टी तैयार करके रखा है, इसमें कंपोस्ट और 50% कंपोस्ट है और 50% मिट्टी है इसमें। इसमें ये लगा देते बाद में, जब थोड़ा सा ट्रांसप्लांट लायक हो जाएगा तब हम इसको लगा देंगे। बड़ा आराम से लगाना पड़ता है, आराम से देखभाल के, बड़े नाजुक होते हैं ये।
कुछ और लगा देते देंगे इसमें साइड से। थोड़ा सा पानी दे दिया जाए इसको। ये चींटी की प्रकोप से कैसे बचा जाए आप जरूर बताइएगा। इसमें देखिए इसमें चींटी आ रहा है, इसमें इसमें बीजों को जर्मिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम कुछ और करते हैं, इसमें कुछ और बीज लगा देते। ये जर्मिनेट हो गया शायद, ये कद्दू का हो गया, इसको लगा देते। इसमें मात्र एक कद्दू जर्मिनेट हो गया, ये देखिए वो बाकी नहीं हुआ है। ये 10-12 दिन हो गया शायद। चलिए इसको भी लगा देते, साइड में लगा देते इसको भी, बाद में ट्रांसप्लांट कर देंगे। थोड़ा पानी डाल देते इसमें भी। एक एक करके हो रहा है, एक दो होते जा रहे हैं और बाकी नहीं हो रहा। क्यों बीजा ठीक नहीं है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्यों हो रहा है। ये हमारे एक गुलाब का पौधा है जो बड़े नहीं पा रहा है, ये इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है ना फूल आ रहा है इसमें। अब थोड़ा मुझे सलाह देते रहिएगा आप लोग कि क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।